नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। तीन बार स्थगित हो चुकी कृषि निवारण समिति की अध्यक्षता करने पानीपत पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। किसानों ने लघु सचिवालय के सामने एकत्रित होकर दुष्यंत चौटाला का किया कड़ा विरोध। नाराजगी जाहिर करते हुए किसानों ने उप मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। किसानों का कहना, बीजेपी जेजेपी के छोटे बड़े सभी नेताओं के कार्यक्रमों का हर स्थान पर होगा ऐसे ही विरोध। किसान आंदोलन के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने दिया बड़ा बयान, कहा केवल बातचीत से ही होगा हल। चाचा अभय चौटाला पर वार करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा वह नहीं है राजनीति में सीरियस। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छोटूराम चौक से एक युवक को एमटीपी किट बेचते हुए रंगे हाथों किया काबू। भीख मांगने से मना करने पर पिता सिगरेट से दागता था 14 वर्षीय बेटी को, सीडब्ल्यूसी ने किया रेस्क्यू। सेक्टर 12 स्थित एक मकान के आगे बैठकर रो रही थी बच्ची, पार्षद ने दी पुलिस को सूचना। 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 50% ही कमाई और 45% ही खर्च कर पाया निगम। नगर निगम ने अपने आय और व्यय के प्रस्तावित बजट को 27 दिन बाद सदन के सामने प्रस्तुत करते हुए करवाया पास। प्रेम प्रसंग के कांड, साथियों के साथ मिलकर हत्या करने के प्रयास के आरोप में दो बदमाशों को पुलिस ने किया काबू। गांव भैंसवाल मोड़ के पास CIA2 पुलिस ने देसी पिस्तौल के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। वार्ड 9 में हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी सोनू और गीता को ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने किया काबू। मॉडल टाउन में पेट्रोल पंप पर आग लगाने की कोशिश व मारपीट के आरोप में 3 आरोपियों को थाना मॉडल टाउन पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। कल से प्रदेश के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस सरसों का और गेहूं का पूरी तौर पर उसकी तैयारी, निरंतर चारों प्रोक्योरिंग एजेंसी, चाहे वो फूड सिविल सप्लाईज एफेड हो, वेयर हाउसिंग हो या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनको तमाम मंडी सब सेंटर ऑलरेडी एयरमार्क। ट्रांसपोर्टेशन का लोडिंग अनलोडिंग का पूरी तौर पर खाका तैयार हो गया। हनी वेल्स की जहाँ समस्या थी उसको भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता के प्रॉपर्ली मॉनिटर किया गया है। सरप्लस गनी बेल्स प्रदेश के अंदर आज इसी तरह की भी बारदाने की कमी है। आढ़ती भाइयों को भी 2.5% जो उनकी कमीशन है वो पूरी सरकार टाइमली देने का काम करेगी। उनके कोई पुराने ग्रीवेंस थे उसके ऊपर भी अधिकारीगण ने चर्चा करके उनको निपटाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो डिजिटल प्रिक्योरिंग हमने प्लान बनाया है जिसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कर ई खरीद के माध्यम से किसान को पेमेंट करी जाएगी उसके खाते में, वो अपने आप में इंडिया में मॉडल आने वाले भविष्य के लिए बनेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों के किसान को भी हरियाणा में आने की अनुमति दी है। आज जिन लोगों ने चर्चा करी है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिन 3 एक्ट्स पे स्टे किया गया उसमें ये लिबर्टी मिल रही थी मार्केटों के अंदर कि किसान कहीं बेचे कहीं, तो आप लोगों ने मिसगाइड कर किसान को भ्रमित करने का काम किया। उसके बावजूद हरियाणा सरकार ने 10,000 से ज़्यादा किसान साथ लगते हुए राज्य के रजिस्टर भी किए हैं, वेरीफाई भी किए हैं और उनकी शेड्यूलिंग भी करी है। और हमारा प्रयास है कि 1 तारीख से लेकर और मिड मई तक हरियाणा प्रदेश और साथ में दूसरे प्रदेशों के जितने रजिस्टर्ड किसान हैं उनका एक एक दाना प्रॉपर तरीके से हम प्रिक्योर करेंगे और जैसे ही उनका जे फॉर्म बनेगा और जे फॉर्म एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होने के 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में उसकी पूरी राशि हम DBT के माध्यम से देंगे। और उसके साथ अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आता है, कहीं कोई डिले होता है 48 घंटे ज़्यादा, तो 72 घंटे बाद 9% इंटरेस्ट किसान की पूरी पेमेंट का किसान को हम देने का काम है। ये पहला प्रयास है देश के अंदर जहाँ प्रोक्योरमेंट को
इतने बेहतरीन तरीके से कोई स्टेट करने जा रही है। मैं देख रहा था पंजाब के मुख्यमंत्री ने शायद प्रधानमंत्री से मांग करी है किसान के खाते में पैसा ना दिया जाए। ये दिखाता है कि वो किसानों को किस तरीके से कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक तौर पर किसान जब भी मजबूत होगा जब किसान के दाने का एक एक रुपया पूरी तौर पर उसके खाते में आएगा। और आढ़ती भाइयों ने पिछले एक साल के बारी बारी इसको देखा भी है कि जैसे किसान के पास पैसा गया है उसका जो बकाया था किसान ने खुद आके उसकी दुकान में पूरा उतारने का काम किया। पुराने बाड़े भविष्य में ये जो भाईचारा है इस भाईचारे को और मजबूत किया जाएगा। और हमने तो तमाम मंडियों को हर तरह की सुविधा के साथ घेरा किया है। बकायदा तमाम मंडियों पे SOP हमने जारी करे हैं कि कौन कौन से विभाग के अधिकारी कौन कौन से हमारे परचेज एजेंट हो या किसान उनको कोई दुविधा है तो उस SOP को फॉलो करी जाए। उसका PDF फॉर्मेट भी हम आज संडे तक पूरी तौर पर पब्लिश कर देंगे कि हर एक मोबाइल में व्यवस्था हो कि प्रोक्योरमेंट में अगर कोई दिक्कत आती है चाहे वो ई खरीद की वेबसाइट पे हो चाहे मार्केट कमेटी के कोई सॉफ्टवेयर में हो तो SOP फॉलो करके उसका तुरंत निपटारा। आंदोलन का समाधान कब निकलेगा सर? पैसे को ये आप मेरे से मत पूछो, ये उन 40 नेताओं से पूछो जो हजारों की संख्या में किसानों को दिल्ली लेकर गए और पिछले 2.25 महीने से जब केंद्र सरकार चर्चा करना चाहती है चर्चा के लिए क्यों नहीं जा रही। आज केंद्र तो तैयार है और मुझे लगता है बिना चर्चा के आज तक कभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं। मैं तो इस पक्ष में हूँ केंद्र से किसान नेताओं को चर्चा करनी है, चर्चा करके पंजाब में जो BJP विधायक की जो पिटाई हुई पूरी तौर पर निंदा करता हूँ। और अगर ऐसी गतिविधि होती है तो मुझे लगता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को उन लोगों के विरुद्ध करनी चाहिए जिनने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह की घटना करी। अगर हमारे प्रदेश के अंदर ऐसी घटना हुई होती तो आज पूरे देश में उसका संदेश भिजवाने का हम काम करते। आज एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं, आप सोचो कि आने वाले भविष्य में तो फिर किसी के साथ भी कोई भी सामाजिक असामाजिक तत्व ऐसी घटना कर दे उसके लिए जिम्मेवार कौन हो। मैं तो पूरी तौर पर पंजाब पुलिस का फेलियर मानता हूँ, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मानता हूँ कि ऐसी घटना हुई उसको पुलिस वालों ने देखा और वहाँ पे कार्रवाई। छोटा नहीं कह रहे कि JJP और BJP के अगर बंदे गांव में आए तो उनको बांध लो सर? अभय चौटाला को आप सीरियस पॉलिटिशियन मानते हो? मैं तो बता रहा हूँ जिस दिन उनको आपने सीरियस पॉलिटिशियन मान लिया उस दिन आपको पता चल जाएगा प्रदेश में क्या क्या। अबे चौटाला तो ये कहते हैं कि सांसद उन्होंने पहली बार आपको ही बनाया था। वो तो पता नहीं, मेरी तनख्वाह भी वही दे रहे हो, मेरी ट्यूशन फीस भी वही दे रहे हो, मेरे कपड़े का खर्चा भी वही दे रहे हो। जो आदमी इस तरह की बातें करता है वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं। आज राजनीतिक तौर पर कोई चर्चा करनी है तो जरूर चलिए। सर सरकार योजना बना रही है किसानों के लिए, अभी आपने बताया वो कौन से किसान है जिनको लाभ मिलेगा, क्योंकि किसान सड़कों पर सर किन किसानों को लाभ मिलेगा सर आपकी योजना का? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हो किसान सड़कों पर, मैं कह रहा हूँ किसान को उसकी फसल का पूरा दाम दिया जाएगा। कल 1 तारीख है, आज धीरे धीरे सरसों मार्केट में आनी शुरू हुई थी जिसका पूरी तौर पर प्राइवेट परचेज हो रहा है। तो जो सरसों बेच रहे हैं वो क्या किसान नहीं है? अब 1 तारीख के बाद धीरे धीरे गेहूं आएगी, अगर वो मंडी में लेकर आएगा तो वो क्या किसान नहीं है? पहले आप लोग फैसला कर लो कि सड़क पे खड़े लोगों को किसान बोलोगे या खेत में से अनाज काट के लाने वाले लोगों को? आपके लिए क्या है सर, किसान वो भी है या ये दोनों किसान माने जाएंगे? तो सारे किसान, अगर आपकी 1 किल्ला जमीन है खेती करते हो आप भी किसान हो तो आज पत्रकारिता करें। उनका हाल क्यों नहीं हो रहा सर, जिन लोगों ने आपको चुना आज भी गांव गांव में बुजुर्ग लोग बोल रहे दुष्यंत हमारा बेटा है, तो सर आज बेटा कहीं गुम हो गया क्या? बेटा कहाँ गायब है, मैं तो कह रहा हूँ चर्चा तो करो। आप कहते हो एक और पर कि मंडियां ओपन नहीं करनी चाहिए, दूसरी ओर पर आप कहते हो दूसरे प्रदेशों का अनाज लो, ये तो खुद कॉन्ट्रेडिक्टरी है। आप किसान को खाते में पैसा देने से रोकते हो, हम पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब तो आप किसान की तरक्की रोक रहे हो। आप खुद फैसला करो कि आपका एक तथ्य एक तरफ है दूसरा तथ्य एक तरफ। हम तो पूरी तौर पर क्लियर है कि हमने किसान को समृद्ध बनाना है और उसके लिए पिछले 1 साल से निरंतर मैं प्रयासरत हूँ और मैं कामयाब भी हुआ हूँ। एक बार 30% किसानों ने पैसा खाते में लिया, दूसरी बार 65 लिया,
और इस बार हरियाणा सरकार 100% फार्मर्स का पैसा एक एक प्रोक्योरमेंट का उनके खाते में अगर ट्रांसफर करने का दम रखती है तो सबसे ज्यादा किसान के पक्ष में हो तो मैं हूँ। अगर मैं किसान को कमजोर करता तो आज भी आढ़ती के पास क्या वैसा भेजता और लिख कर देता केंद्र को कि हम इस पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे। हमने तो ये अपनाया है, एक एक किसान को रजिस्टर कराया, उसकी आज एक एक किले की वेरिफिकेशन कराकर उसको अप्रूव किया और उस पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो एक्स अमाउंट ले जाएगा तो सरकार इतना ही खरीदेगी। हमने तो पहली बार हरियाणा में हुआ है कि 6 फसलों को MSP पे खरीदने का निर्णय लिया और मेरा प्रयास है इस 6 को आने वाली क्रॉप सीजन में 10-12 बढ़ाने का हम काम करें कि एटलीस्ट हमारा फार्मर ऑल्टरनेटिव क्रॉप की तरफ जाए। इस बार हमने 1400-1200 के रेट पे आज के दिन जो बिक्री है बार्ली बिक्री है उसको हम 1600 पे प्रिक्योर कर रहे हैं। 10,000 किसानों ने रजिस्टर कराया है तो क्या मैं किसान के विरोध में हूँ? तो सर क्या आप मानते हैं जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो असली किसान है? पहले उनकी पार्टियां तो देख लो कौन सी। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, किसान चौटाला, किसान चौटाला, किसान चौटाला, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बार स्थगित हो चुकी जिला कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता करने पानीपत पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ लघु सचिवालय के सामने किसानों का जोरदार विरोध जारी है और जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। वही स्थिति को संभालने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है जिसमे महिला कांस्टेबल भी शामिल है। किसानों ने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ रोष जताते हुए उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शन में महिला किसान भी शामिल हैं, जो लगातार 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये दुष्यंत चौटाला जी का पुतला दहन किया है आज इन्होंने, तो वो इसीलिए किया है क्योंकि ये जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो ये किसानों के हक में लड़ने के लिए फिर उन्होंने वोट ली थी, तो किसानों ने इसीलिए वोट दी थी क्योंकि किसानों की एक जवाबदेही क्या हो इनके प्रति, संसद में उनकी आवाज बने, लेकिन उन्होंने वो कुछ नहीं किया। इस वक्त किसान आंदोलन में दुष्यंत चौटाला जी को अपना जो CM पद है वो छोड़ के डिप्टी CM पद को किसानों के साथ होना चाहिए था और किसान इसी वजह से गुस्से में है कि जिस वजह से उन्होंने वोट लिया था तो वो अपनी जो बात थे उस पर खड़े नहीं करते हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमने पुतले का दहन किया गया है, बिल्कुल बाई बगाई गई है। भाई आज तक हमारा संपर्क था किसान और मजदूर की वोट चुनाव के समय में पता नहीं आपने क्या क्या वादे किए थे, लेकिन आज के बाद हमारा कोई संबंध न चुनाव के समय इस प्रदेश की जनता के किसान और मजदूर से अनेक वायदे किए थे कि मैं तुम्हारे कष्ट दूर करूंगा, मैं तुम्हारी बात करूंगा, लेकिन आज जब कुर्सी पे बैठ गया तो किसान और मजदूर के विरुद्ध आवाज उठाया, हमारे बात नहीं कर रहा, हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रहा है। आने वाले समय में जनता इसको सबक सिखाएगी। 14 देवलाल ये कहा करते भी लोक लाज लोक राज से चलता है, लोक राज इनके साथ है नहीं तो कैसा राज इनका, जनता इनसे राज नहीं देखना चाहती। मेरी हरियाणा सरकार से प्रार्थना है कि जब आप जनता आपको देखना ही नहीं चाहती, आपको गम में घुसने नहीं देना चाहती, तो आपने जनता के हित में अपना रिजाइन कर देना चाहिए और किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। हाँ ये उसी के पड़ोते हैं, ये उनका उनका विरोध कर रहे चौधरी देवलाल जी का, जिन्होंने सदा सिर्फ किसान की राजनीति की है। आज वही तो दुष्यंत चौटाला किसान के विरुद्ध काम कर रहा और किसान को नेतरे का काम कर रहा। किसानों का कहना है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं लेकिन गद्दी मिलने के बाद उन वायदों को पूरी तरह से भुला दिया जाता है।
किसानों को उन पर विश्वास था कि वह किसानों की आवाज बनकर अपने पद का समुचित उपयोग करेंगे। जहां आज उन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, वही हमारे खिलाफ हैं। किसानों का कहना है कि बीजेपी और जेजेपी के सभी छोटे बड़े नेताओं का इसी तरह से हर स्थान पर विरोध किया जाएगा, जहां भी उनके कार्यक्रम होंगे। जब तक तीन काले कृषि कानून सरकार वापिस नहीं लेगी, उनका यह विरोध प्रदर्शन लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आम जन के लिए मुसीबत बनी प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी शिकायतें 5 अप्रैल तक करा सकेंगे। उसके बाद सरकार की बनाई कमेटी समाधान करेगी। दरअसल आपको बता दें कि नगर निगम हाउस की मीटिंग में मेयर अवनीत कौर, विधायक प्रमोद विज, सीनियर डिप्टी मेयर व पार्षदों की सहमति पर कमिश्नर वत्सल वशिष्ठ ने यह फैसला लिया, जिसके अनुसार अब हर वार्ड में दो दो सक्षम युवा बैठेंगे, जो पब्लिक की प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराएंगे। सारा पैसा 24 करोड़ का प्रोजेक्ट उनके कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने आज से 4 साल पहले, बड़ी हैरानी की बात है कि 24 करोड़ रुपए आया और वो सारे ने सारा सिविल वर्क का अलॉट कर दिया। जैसे उस बात में सिविल वर्क के अलावा कुछ होना ही नहीं है। हॉर्टिकल्चर का काम है, प्लांट है, बेंचेज है, लाइट है, दुनिया भर के और कामयाब है, झूले हैं, उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। तो मेरी प्रार्थना तो ये है कि दो पार्ट में बात कर रहा हूँ, पहले तो खाली पालन कब तक पूरा हो जाएगा हमें ये बताया जाए, टाइम पर पेश करके, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके बाद जो बाकी के काम आने हैं वो कितनी कॉस्ट के काम है हॉर्टिकल्चर के, क्योंकि इसमें अब आपको प्लांट भी जो लाने पड़ेंगे वो पौधे छोटे नहीं लाने पड़ेंगे, आपको मेच्योर प्लांट लाने पड़ेंगे। एक अप्रैल से सक्षम युवाओं को हर वार्ड में पब्लिक की मदद के लिए लगाया जाएगा। वहीं इस दौरान विधायक प्रमोद विज ने टेंडरों को लटकाने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी सालों साल तक कार्य पूरे नहीं होते। कहा कि निगम प्रस्ताव पास करे कि आगे से कोई टेंडर एक्सटेंड नहीं होगा, अगर कोई काम समय पर पूरा नहीं होता तो उसकी जगह दूसरा टेंडर लगाकर ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, जिस पर निगम ने सहमति जताई और प्रस्ताव पास कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। चौटाला यहां पर पहुंच चुके हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला यहां पर, उप मुख्यमंत्री यहां पर ये पहुंचे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। यहां पर देखिए दुष्यंत चौटाला, दूसरी तरफ किसान है, किसान यहां पर, और यहां पर देखिए झंडे, यहाँ पर विरोध किया जा रहा है लगातार। एक तरफ मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं ग्रीवेंसेस कमेटी में, और दूसरी तरफ किसान, एक तरफ लगातार। तो ये तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख रहे हैं, तो ये तस्वीरें जहां पर बिल्कुल ये तस्वीरें हैं लगातार हम आपको तमाम दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ काले झंडे यहाँ पर जो है दिखाए गए हैं, और दूसरी तरफ अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ग्रीवेंसेस कमेटी में यहाँ पर ऊपर पहुंचे हैं लगातार, जहाँ एक तरफ हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे। इसके बाद अब यहाँ पर जो है गाड़ियों के काफिले के साथ अंदर पहुंचे, दूसरी तरफ विरोध यहाँ पर जताया गया है, ये सीधे तौर पर आप देख रहे हैं लगातार। अभी हाल ही में ग्रीवेंसेस कमेटी की बैठक की वो अध्यक्षता करेंगे, मिनी सेक्रेटरियट में वो पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बने रहे सीढ़ी तालका के साथ। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे वहां पर, देखिए अंदर जो है उप मुख्यमंत्री वो पहुंच चुके हैं, और इसके बाद अब वो अध्यक्षता करेंगे और लोगों की शिकायत सुनेंगे। दूसरी तरफ जहां लगातार किसान है यहां पर पहुंचे, सत्यवान नरवाल जगबी नेताजी के नेतृत्व में यहां पर किसान नेता लगातार यहां पहुंचे थे, ये सीधे तौर पर आप देख रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है इसके बारे में भी हम जानते हैं। चुनाव के समय इस प्रदेश की जनता के किसान और मजदूर से अनेक वायदे किए थे कि मैं तुम्हारे कष्ट दूर करूंगा, मैं तुम्हारी बात करूंगा, लेकिन आज जब कुर्सी पे बैठ गया तो किसान और मजदूर के विरुद्ध आवाज उठा रहा, हमारे बात नहीं कर रहा, हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रहा है। आने वाले समय में जनता इसको सबक सिखाएगी। चौधरी देवलाल, ये कागड़ते भी लोकलाज लोकराज से चलता है, लोक राज इनके साथ है नहीं तो कैसा राज इनका, जनता इनसे राज नहीं देखना चाहती। मेरी हरियाणा सरकार से प्रार्थना है
कि जब आप जनता आपको देखना ही नहीं चाहती, आपको गम में घुसने नहीं देना चाहती, तो आपने जनता के हित में अपना रिजाइन कर देना चाहिए और किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। हाँ, ये उसी के पड़ोते हैं, ये उनका उनका विरोध कर रहे चौधरी देवलाल जी का, जिन्होंने सदा सिर्फ किसान की राजनीति की है। आज वही तो संत चौटाला किसान के विरुद्ध काम कर रहा और किसान को नेचने का काम कर रहा। और हाल ही में पार्टी छोड़कर आए थे यहाँ पर जगबीर नेता ने, उन्होंने कहा कि जो देवीलाल ने कहा था कि जो नारा दिया था उसी के जो है पोते यहाँ पर हैं और वहाँ पर गए हैं, उनका विरोध किया है, उन्हीं जो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किसानों का जारी है। हालांकि अब किसान अंदर दुष्यंत चौटाला पहुँच चुके हैं, वो भी हम आपको तमाम लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्या कुछ वहाँ पर रहने वाला है, क्या कुछ है, उन तमाम बातों पर, तमाम पहलुओं पर हमारी नजर रहेगी। बने रहे सीढ़ी तालका के साथ, सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ, जितेंद्र आला, सीढ़ी तालका पानी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।